सोनीपत जिले की हाई प्रोफाइल सीट राई विधानसभा का चुनाव कार्यालय जीटी रोड बालगढ़ पर हवन यज्ञ कर खोला गया। राई विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडोली व उनके परिजनों के साथ हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालने सोनीपत सांसद रमेश कौशिक के साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हल्के के सभी सरपंच व पंचायत मेंबर पहुंचे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने नामांकन भरा। चलिए आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए प्रत्याशी व मौजूदा सांसद ने क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे को यहाँ राय विधानसभा से आशीर्वाद देकर भेजा है, आज चुनाव कार्यालय का हवन हुआ है और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद अभी पुरुषोत्तम रूपाला जी हमारे भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आएंगे, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो राय विधानसभा के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज उनकी सबकी हाजिरी में ये सारा प्रोग्राम चलेगा और जो भी जनता के मुद्दे होंगे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर तक हैं, वो सभी मुद्दे इस चुनाव में चलेंगे। उन सब मुद्दों को जो जनता के मुद्दे होंगे उनके लेके चुनाव लड़ेंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता से अपील की थी कि कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करनी है, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आपको देखने को मिली है। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है आपकी बार 75 पार, उससे आगे बढ़कर जनता आशीर्वाद देने वाली है। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, अब ये चुनाव किसी नेता के हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। जनता ने चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को अपना मान लिया है और कमल के फूल को 90 की 90 विधानसभाओं पर खिलाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। राय विधानसभा से कितने मतों की बीजेपी पार्टी जीत पाएगी? राय विधानसभा से 2019 का जो विधानसभा का चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव होगा और यहाँ पर जो जीत है वो भी ऐतिहासिक जीत होगी। जो आज तक मेरे को लगता है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ किसी भी पार्टी का है उसकी जमात बतली मुश्किल है। आज हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, आज राई हल्का नॉमिनेशन किया, आज सोनीपत का भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। सर बीजेपी कितनी सीट आई है हरियाणा में? 75 पार का हमें लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करें और मेरी पार्लियामेंट में 9 सीटें हम लोग 9 जीतने जा रहे हैं। सारे अच्छे उम्मीदवार हमने दिए हैं, संगठन से युवा हैं और महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व है जी जी हमने दिया है। 3 महिलाएं हमें सोनीपत जिले में। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।